हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटी कटोरी चाट जो कि व्रत के लिए बना रहे हैं और व्रत में भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। साथ में हम बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी और मीठा दही। ये सारी चीज़ें हम साथ में बना के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप समाक का चावल और इसको मैं पानी में डालकर इसको भिगो के रख दूँगी। कम से कम 2 घंटे के लिए मैं इसको भिगोने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे बाद हमारा समाक का चावल अच्छे से फूल चुका है। अब इसका पानी निकाल दिया है और इसको हम जो है ना एक पेस्ट हम इसका बना लेंगे। और ये एकदम हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ हमने पेस्ट बना लिया है और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि स्पून में ये दिख रहा है ना, बस इतना ही गाढ़ा हमें रखना है। अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच दही और व्रत का नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक जो होता है ना वो डाल दीजिए, आधी चम्मच। और इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें हम तेल डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को अब इस टाइम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लगातार 2-3 मिनट इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि स्पून में इस तरह से गाढ़ा ये लग रहा है, तो इसी तरह से हमें रखना है। यहाँ पर हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और हाई फ्लेम पर रखा है और एक बड़े साइज़ में हमने इस तरह का एक चमचा ले लिया है और इसको हमने ऑयल में डाल के जो है ना गरम कर लिया है। जब गरम हो जाएगा उसके बाद हमने टिश्यू पेपर से हल्का सा पोंछ लिया है और इसको इस तरह से इस बैटर में डिप करेंगे। तो हमें जो है ना पीछे की साइड पे एक मोटी लेयर लगानी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे कीजिएगा, आपका परफेक्ट कटोरी बन के तैयार होगी। तो आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर एक अच्छी सी मोटी लेयर बन चुकी है। अब इसको हम जिस तेल को हमने गरम किया है उसमें इस तरह से इसको गरम करेंगे। तो इस तरह से हम इसको जो है ना जैसे पूड़ी आप तलते हो ना उस तरह से ही इसको डाल के गरम करेंगे। जो अंदर लगा हुआ है ना उसको हम निकाल लेंगे। साइड से इसको इस तरह से आप जो है चाकू की सहायता से इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से खोलते हुए जाएंगे और जिससे कि अंदर तक ये सिक जाए और ये आसानी से इससे बाहर निकल आए। तो इस तरह से करते हुए आराम से करेंगे, कोने कोने से इस तरह से हम करते हुए इसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आराम से निकल जाए। और ये देखिए बड़े ही आराम से ये निकल चुकी है। बस अब इसको ये हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रंची बना है, ये बहुत ही अच्छे से हमारी देखा कटोरी बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारी कटोरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो इधर हमारी कटोरियाँ बनके तैयार है। अब इसके लिए हम बना लेते हैं हरी चटनी। तो सबसे पहले हरी चटनी बना के दिखाएंगे। यहाँ पर हमने धनिया ले लिया है और इसमें अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्ची और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची ऐड कीजिए। यहाँ पर थोड़े से हमने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं 2 चम्मच के करीब। थोड़ा सा हमने सेंधा नमक डाल दिया है, आधा नींबू का रस डाल दिया है और आधी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी एकदम तैयार है। तो इसी तरह से हम अपनी हरी चटनी बना लेंगे। और अब बनाएंगे हम इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो यहाँ पर हमने इमली ले ली है, गर्म पानी डाल के इसको हम भिगोने रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो 1-2 मिनट बाद ही ये अच्छे से जो है ना फूल जाएगी। फिर इसको हाथों से ही इस तरह से इसका पल्ब निकाल लेंगे इमली का सारा। और ये देखिए सारा पल्ब अच्छे से निकल चुका है। अब इसको छान लेंगे। अच्छा, व्रत में आप चाहें तो अगर आप इमली नहीं खाते हो तो आप इसकी जगह अनार के दाने जो होते हैं ना, सूखा अनार दाना, अब वो भी ले सकते हैं, उससे भी आप इमली बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इमली से बना रही हूँ। इमली की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है और फास्ट में इसको हर कोई खा ही लेता है। अब इसको हम गैस पर रख के पकाएंगे चटनी को। और इसमें अब हम मिलाएंगे, यहाँ पर हमने गुड़ ले लिया है, हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हो।
और अब इसमें मिलाएंगे आधी चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा ब्लैक काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच के करीब हमने डाल दिया है भुना हुआ जीरा। तो भुना हुआ जीरा डाल दिया है और उसका पाउडर थोड़ा सा बना दें, इस तरह से डाल दें इसमें। और ये देखिए हमारी चटनी जो है ना एकदम से धीरे धीरे ये गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसी टाइम मिलाएंगे इसमें थोड़े से कुछ काजू के पीस और किशमिश। ये बस देखने में अच्छी लगती है चटनी में, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपल भी बना सकते हैं चटनी को ऐसे ही। और ये देखिए हमारी चटनी एकदम बनके तैयार है, बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चटनी को ठंडा कर लेंगे। और ये ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको ये थोड़ी सी पतली दिख रही है ना, लेकिन ठंडी होने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारी इमली की चटनी बनके तैयार है। अब बना लेते हैं मीठा दही। तो यहाँ पर हमने एकदम गाढ़ा दही ले लिया है और इसको फेंट लिया है। इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल दूँगी पाउडर शुगर और इसको मिला लेंगे। तो ये हमारी जो है ना चाट के लिए दही तैयार है। तो इसको भी इस तरह से हम बना के रख लेंगे। और अब चलते हैं, यहाँ पर हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 2-3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, अच्छे से छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, उनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना फ्राई, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी कटोरी चाट के लिए आलू फ्राई हो गए हैं और इनको निकाल लेंगे इस तरह से। चलते हैं अब चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे फ्राई आलू, फिर इसके ऊपर डालेंगे भुनी हुई मूंगफली और यहाँ पर कुछ मैं जो है ना ऐसे ही उबले हुए आलू के पीस डाल रही हूँ। ये थोड़े और सॉफ्ट लगेंगे खाने में। और यहाँ पर जो क्रंचनेस के लिए यहाँ पर मैंने जो ये मैंने कटोरियाँ बनाई है ना, कुछ जो कटोरियाँ आपकी बिगड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो डाल दें उसमें। इस तरह से तोड़ के हरी चटनी डाल दी है, खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल दी है और दही डाल दिया है। आप इसमें ना जो ब्रथ के चिप्स होते हैं ना, आलू के चिप्स, आप वो भी डाल सकते हैं अगर वो डालना चाहें तो, उसे और भी टेस्टी बनेगी। और ये एकदम इसको कटोरी को ऊपर तक भर देंगे तो भरी हुई एकदम से बहुत सुंदर भी लगेगी और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। दोबारा से इसके ऊपर भी हमने थोड़े से फ्राई आलू डाल दिए हैं और दही डाल दिया है। मतलब ये सारी चीज़ डालते हुए हम इसको भर देंगे। अनार के दाने डाल दिए हैं, फिर से मीठी चटनी डाली है और हरी चटनी डाल दी है। और यहाँ पर हमने अपनी एकदम कटोरी को फुल कर दिया है। यहाँ पर हमने जो है ना जो बीटरूट होते हैं ना, उसके पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं और वो डाल दिए हैं। ये हमारी कटोरी चाट एकदम बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।